मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जो जारी की है जो क्लास टेंथ का मैथ का मॉडल सीट बताने जा रहा हूं और आज ये मेरा चौथा पार्ट होगा बिहार बोर्ड मॉडल सीट का मैथ का। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें। मैं आप लोगों को इसमें से 23 नंबर तक का क्वेश्चन बता चुका हूं, आज 24 नंबर से बताने जा रहा हूं। सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें। देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन, 24 कहता है क्या, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छाया चुना जाता है, यादृच्छाया चुना जाता है तो इसके स्वर अक्षर होने की प्रायिकता ज्ञात करें, ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, करें अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छाया चुना जाता है तो इसके स्वर अक्षर होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखो बाबू, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो कुल अक्षर जो होता है उसको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कुल प्रतिदर्श कहते हैं। यानी नंबर ऑफ एस बराबर क्या हो गया, 26, क्योंकि 26 अक्षर होते हैं, समझे कि नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26, ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं। अब इसके स्वर अक्षर होने की प्रायिकता क्या करें, तो माना कि स्वर होने की घटना ई है, क्या है, ई है। तो डिफिनेट है, ई है मान ली है, तो आप देखिए घटना ई मान ली है, तो ई, तो स्वर जो होता है ए ई आई ओ यू, यानी भावेल पांच होते हैं, भावेल को स्वर 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ई बराबर जो हो गया, नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, भावेल तो आपके पांच होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं 21, और दो सेमी भावेल उसी में होते हैं यानी W और Y आप जानते होंगे। तो अब देखिए नंबर ऑफ E बराबर क्या हो गया, 5, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ E बटे नंबर ऑफ S, क्योंकि यहां पे कह रहा है इसके स्वर अक्षर होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी भावेल की प्रायिकता क्या होगी, तो नंबर ऑफ E क्या है 5 और बटे नंबर ऑफ S क्या है 26, तो 5/26 आंसर हो गई। आप लोग सभी समझ ही गए होंगे, आप लोग चलिए समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बाबू 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, दो संख्याओं 16 तथा 28 का लॉस 112 है, तो इनका महत्तम समावर्त ज्ञात करें, इनका क्या ज्ञात करना है, मौसो ज्ञात करें। तो देखो बाबू ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स, क्या कहता है, दो संख्या 16 28 है, उसका लॉसो है क्या 112, तो इनका मौसो ज्ञात करें। तो एक फार्मूला होता है कि मौसो यानी महत्तम समापवर्तक बराबर, ध्यान दीजिएगा, यानी ए गुना बी बटे लॉसो, बटे क्या होता है लॉसो, ध्यान दीजिएगा।
ए गुना बी बटी लोसा, अर्थात पहली ये जहाँ ए पहली संख्या है और बी क्या है दूसरी संख्या, तो यहाँ ए बराबर क्या है, देखो ए बराबर 16 है और बी बराबर दूसरी संख्या कितनी है, बी बराबर है आपका कितना 28। अब देखो लोसा, लोसा का मान कितना है बाबू, देखो लोसा का जो मान है 112 है, तो अब यहाँ देखो इसलिए मौसा बराबर, तो मौसा का ये सूत्र होता है ए गुना बी, ए का मान है क्या 16, अब देखो ये इसका मान कितना है 28 बटे कितना है 112। तो अब देखो बाबू ध्यान देना, सोलसती बलोचल से 7 बार में कट गया कि नहीं, अब देखो सच्चों के 28 सोलसती बलोचल से, अब देखो और सच्चों के 28, इसलिए मौसा बराबर जो हो गया, मौसा बराबर कितना हो गया 4 हो गया आंसर, अर्थात इसका आंसर क्या हो गया 4। तो समझ में आई सबों को क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 30 बल्बों के एक समूह, 30 बल्बों के एक समूह, 30 बल्बों के एक समूह में 5 बल्ब खराब है, 5 बल्ब खराब है इस समूह में से एक बल्ब यद्रि छाया का मतलब बिना जाने पहचाने इनका यद्रि छाया उसी को कहते हैं यद्रि छाया निकाला जाता है तो निकाला गया बल्ब ध्यान दीजिएगा, निकाला गया बल्ब खराब होने की प्रायिकता क्या होगी ध्यान दीजिए, निकाला गया बल्ब क्या होगा खराब। तो अब देखिए बाबू, सबसे पहले बल्ब की संख्या कितनी है 30, बल्ब कितने हैं 30, तो नंबर ऑफ एस यानी कुल बल्बों की संख्या कितनी है 30, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया 30, जिसमें कि खराब बल्ब कितने हैं 5, तो माना कि खराब बल्ब के लिए घटना ई, माना कि खराब बल्ब के लिए घटना ई, तो नंबर ऑफ ई खराब बल्ब की संख्या कितनी है 5, तो कहता उसमें से हाथ जब देते हैं तो एक बल्ब निकल जाए वो खराब ही निकले, इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कह रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होगा नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ ई का मान कितना है 5 और नंबर ऑफ एस का मान कितना है 30, देखो 5 × 6 = 30 यानी क्या हो गया 1/6, कितना हो गया 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान कितना होगी, अतः खराब बल्बों की जो प्रायिकता निकलेगी वो 1/6। समझ ही गए होंगे सभी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर का क्वेश्चन सेट 1 का कह रहा है क्या कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी बराबर है 90 डिग्री, कौन सी बराबर क्या है 90 डिग्री, तथा सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सी डी जो है ए बी पर लंब है, ठीक ना। अब कहता है क्या, तो सिद्ध करें कि क्या करना है बाबू, ए बी गुने सी डी बराबर बी सी गुने
सी ई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सिद्ध करना है। देखो बाबू, यानी कह रहे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिए, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण समकोण हो, जिसका एक कोण क्या हो, समकोण। तो ए, अब देखो बी यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि कोण सी बराबर 90 डिग्री का रहा है, इसका मतलब सी यहाँ पे लेंगे तो बी डिफिनिट है यहाँ पे होगा, ये 90 डिग्री है। अब देखो कह रहा है क्या, फिर सी डी परपेंडिकुलर ए बी, तो इसका मतलब एक सी डी खींचते हैं, ध्यान देना, ये सी डी खींचते हैं, ये डी है जो कि ए बी पर लंब है, प्रश्न में कह रहा है ये ए बी पर लंब है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए ये लंब है, प्रश्न से ही कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो हमें साबित करना इतना, तो चूंकि देखो सबसे पहले यहां देखो बाबू, त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी तथा ध्यान दीजिएगा त्रिभुज सी डी बी में, त्रिभुज त्रिभुज ए सी बी में चल रहे हैं, ए सी बी में तथा त्रिभुज तुलना कर रहे हैं सी डी बी में, सी डी बी में, ध्यान देना। तो त्रिभुज ए सी बी तथा डी सी डी बी में, तो देखो बाबू यहाँ पे कोण कितने डिग्री, ए सी बी में यहाँ पे कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, यानी कोण सी त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर कितना है, 90 डिग्री। अब यहाँ देखो कोण, देखो ए सी डी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ए सी डी बराबर, अब देखो इस त्रिभुज में चल रहे हैं यानी सी डी बी में, तो कोण सी डी बी बराबर कितना है, 90 डिग्री। कोण सी डी बी बराबर कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब त्रिभुज ए सी बी और सी डी बी में, यहाँ ए सी बी में ये कोण और ये कोण क्या है, 90 डिग्री है। अब देखो कोण बी जो है, कोण बी ए सी बी का भी एक कोण है और कोण बी जो है सी डी बी का भी एक कोण है, तो कोण बी बराबर कोण बी क्या है, उभयनिष्ठ, बराबर क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ जो दोनों के लिए काम आता है, उभयनिष्ठ है, क्या है बाबू, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। यानी ये जो है कोण भी ए सी बी का भी एक कोण है और ये सी डी बी का भी एक कोण है, तो डिफिनिट है कि ये, तब देखो अब ये कोण जब किसी त्रिभुज के, जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण डिफिनिट है कि बराबर होगा, तो इसलिए डिफिनिट है कि ये जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा। इसका मतलब डी सी बी, इसलिए डी सी बी यानी डी, देखो डी सी बी, डी सी बी बराबर जो होगा कौन, यानी डी ए सी बराबर क्या होगा, डी ए सी, यानी सॉरी ये कोण, माफ करिए, यानी ये जो कोण होगा यानी ये डी ए सी यानी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो थोड़ी देर के लिए, यानी ए सी बी और सी डी बी में तुलना किए तो ये कोण 90 डिग्री थी, यहाँ भी कोण 90 डिग्री, ये कोण उभयनिष्ठ है दोनों के लिए, ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर है, तो ये समकोणिक है। तो इस चूंकि त्रिभुज ए सी बी तथा, ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज सी डी बी, सी डी बी के सभी कोण, के सभी कोण क्या है, सभी कोण समकोणिक है, क्या है बाबू, समकोणिक है, समकोणिक है, तो इसलिए त्रिभुज, त्रिभुज ए सी बी यानी त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज सी डी बी होगा, समरूप त्रिभुज क्या होगा, सी डी बी होगा, यानी कि ए सी बी और सी डी बी एक समरूप त्रिभुज होगा। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, जानते हैं कि समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, संगत भुजा, संगत भुजा समानुपातिक होते हैं, क्या होते हैं, समानुपातिक होते हैं, यानी समानुपातिक होते हैं। तो अब देखो इसलिए समानुपातिक, इसलिए बड़े का कर्ण क्या है, ए सी, त्रिभुज ए सी बी और सी डी बी में तुलना कर रहे हैं तो बड़े का कर्ण क्या है, ए बी, तो इसलिए ए बी पटे, देखो ए बी, छोटे का कर्ण कौन है, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो छोटे का जो कर्ण है वो क्या है, सी बी, तो सी बी,
बराबर ध्यान देना, ए बी बटे क्या हो जाएगा सी बी, कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान देना बाबू सभी स्टूडेंट, अब देखो ध्यान देना, बड़े का लंब कौन है? देखो ए सी, बड़े का लंब क्या है? ये ए सी है कि नहीं, यानी सी ए कह सकते हैं ए सी। बड़े का लंब क्या है? देखो ए सी। तो छोटे का लंब क्या है? देखो सी डी। छोटे का लंब क्या है? सी डी। देखो बाबू समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपातिक होती है। तो ध्यान देना बाबू, तो देखो बड़े का कर्ण कौन है? ए बी। तो ए बी बटे छोटे का कर्ण यानी सी डी बी में कर्ण कौन है? सी बी। तो ए बी बटे सी डी सी बी। अब बराबर, अब देखो बड़े का लंब कौन है? ए सी, एक लंब ये भी है कि नहीं, और छोटे का लंब क्या है? सी डी, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है सी डी जो है ए बी पर लंब है। तो अब देखो इसलिए ए बी बटे सी बी बराबर ए सी बटे सी डी, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपातिक होती है। तो ये गुना हो जाएगा इससे, तो इसलिए ए बी ये गुना हो जाएगा इसके साथ सी डी, ए बी गुना सी डी बराबर ये गुना हो जाएगा इसके साथ सी बी गुना सी, इसलिए सी बी गुने क्या हो जाएगा ए सी। तो अब देखो बाबू हमको सिद्ध करना था, यानी ए बी गुना सी डी, देखो ए बी गुना सी डी हो गया कि नहीं, बराबर क्या सिद्ध करना था? सी बी गुना सी ए, यानी बी सी लिखो या सी ए लिखो, बात तो बराबर है। अतः अतः ए बी गुना सी डी बराबर हो गया सी बी को हम बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी गुना क्या हो गया एसी। ये प्रूव्ड हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रूव्ड हो गया। तो बताएं सभी स्टूडेंट्स समझ में आई? चलिए सभी स्टूडेंट्स देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कहता है हल करें 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 2x + 3y = 11 है ना, और दूसरा समीकरण है 2x - 4y = क्या है? -24 है। एक बार सवाल देख लेते हैं, -24 ही है ना, कहीं गलत तो नहीं है? देख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ चलिए देख रहे हैं बाबू सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन देख रहे हैं, -24 नहीं +24 है। चलिए देख लेते हैं जो भी हो, ध्यान दीजिए 2x + 3y = 11, 2x - 4y = क्या है? -24 है। ये समीकरण आपका एक हो गया और ये समीकरण आपका दो हो गया। अब एक्स वाई का मान निकालना है, तो समीकरण एक और दो को घटाने पर, समीकरण एक को दो से घटाने पर, एक घटा दो तो यहाँ पे माइनस कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। एक नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, ठीक ना? ये क्या है? 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। माइनस कर रहे हैं, देखो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखो घटा रहे हैं, ये प्लस 2x, ये माइनस 2x कर जाएगा, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7y बराबर 21, 11 और 24 को जोड़ो, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 24 से 11 कितना हो गया? 35। तो 7y बराबर कितना हो गया? 35। इसलिए y बराबर जो हो गया 35/7, तो 7 × 35, तो y का मान कितना निकल गया? 5। तो समीकरण एक में, ध्यान दीजिए समीकरण एक में y का मान रखने पर, ध्यान दीजिएगा किसका मान रखेंगे? समीकरण एक में y का मान रखेंगे। तो समीकरण एक क्या है? देखो 2x + 3y = 11 है, तो देखो 2x + 3 × y, y का मान कितना है? 5 बराबर क्या हो गया? 11। तो देखो 2x + 5 = 15 बराबर कितना हो गया? 11। तो 2x = 11। अब देखो बाबू ध्यान देना, ये प्लस में उधर अगर क्या जाएगा? -15 हो जाएगा। तो अब देखो 2x = 11 में से 15 घटेगा, कितना बचेगा? -4 बचेगा, इसलिए x = -4/2, तो 2 × 4 x = कितना हो गया? -2। x = -2 और y = कितना हो गया? 5। ये आंसर हो गया। तो आप लोग सभी स्टूडेंट समझ ही गए होंगे, सभी कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए सभी स्टूडेंट समझ ही गए होंगे, फर्स्ट से बन जाएगी। सिद्ध करें, प्रूव दैट √1 cos A / 1 - cos A = cosec A + cot A, ये सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बाबू, तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? LHS। तो LHS बराबर क्या है? 1 + cos A / 1 - cos A, है ना? अब देखो बाबू क्या करते हैं, 1 + cos A / 1 - cos A
अब देखो क्या करते हैं, गुना ये माइनस में है तो इसको प्लस में कर देते हैं, वन प्लस कॉस ए बटे वन प्लस कॉस ए कर देते हैं। फिर देखो ये वन प्लस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए कट ही जाएगा तो फिर तो वही ना हो जाएगा। अब देखो वन प्लस कॉस ए गुना वन प्लस कॉस ए है, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस कॉस गुना वन प्लस कॉस क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस का, वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखो बाबू ए माइनस बी, वन माइनस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो अब यहाँ देखो बाबू वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे, या वन का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वन ही होता है, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है। अब यहां देखो बाबू ध्यान देना रूट अंडर, अब देखो इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं वन प्लस कॉस ए बटे, यहां पे साइन स्क्वायर है, बटे साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक नहीं लिख दिए क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है। अब देखो स्क्वायर जिसे रूट अंडर एक्स स्क्वायर है तो हम इसको केवल एक्स लिखते हैं कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो ध्यान दो बाबू, तो यहाँ पे दोनों पर स्क्वायर इसलिए हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा वन प्लस कॉस ए बटे साइन ए बच जाएगा, ठीक ना। अब देखो बाबू अलग अलग कर दो, वन बटे साइन ए प्लस हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए। तो अब देखो वन बटे साइन ए को क्या फार्मूला होता है कॉसेक ए, वन बटे साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो वन बटे साइन ए बराबर कॉसेक ए प्लस कॉस ए बटे साइन को क्या लिख सकते हैं कॉट ए प्रूफ। चलिए यही तो सिद्ध करना था हमको, सिद्ध हो गया। अब चलिए अंतिम नंबर का क्वेश्चन है, दो नंबर या क्वेश्चन का मॉडल सेट वन का अंतिम नंबर का बता रहे हैं आप लोगों को, अंतिम दो नंबर का क्वेश्चन है मॉडल सेट वन का, वो बता रहा हूं। कह रहा कि बावन पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी, अच्छी प्रकार से फेंटी एक गई, फेंटी गई एक गड्डी, फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है लाल रंग का बादशाह प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, लाल रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखो बाबू सबसे पहले ताश जानते हो, ताश में तो कुल मिलाकर के कितने पत्ते होते हैं, बावन पत्ते हैं, तो नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो गया बावन। तो अब देखो बाबू कहता कि अब उसमें बावन पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो वो कहता लाल रंग का बादशाह हो। तो याद रखना बाबू ताश में कुल बावन पत्ते में उसको चार चार समूह में बांटा गया तेरह तेरह करके, जिसमें कि ये जो है बाबू एक होता है तेरह चीड़ी होता है, तेरह जो होता है काला पान होता है, तेरह लाल पान होता है, और तेरह जो होता है ईंट होता है जिसको ठीकरी कहते हैं। तो बादशाह जो है याद रखिएगा सबों का एक एक बादशाह होता है, सबों का एक एक बादशाह होता है, एक चीड़ी का बादशाह, एक होता है काला पान का बादशाह, एक ईंट का बादशाह, और एक जो होता है यानी क्या कहते हैं काला पान का बादशाह होता है, सबका बादशाह होता है, जिसमें कि बादशाह की कुल संख्या होती है चार। बादशाह की कुल संख्या कितनी होती है चार, जिसमें कि हम जानते हैं कि ताश में 26 लाल पत्ते होते हैं और 26 काले पत्ते होते हैं। तो जिसमें कि दो जो बादशाह होता है लाल रंग का होता है और दो जो बादशाह होता है वो काला रंग का होता है, यानी काले रंग की बादशाह की संख्या कितनी होती है दो। यह प्रश्न में क्या कह रहा है, ताश बावन पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई, एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो लाल रंग का बादशाह क्या होगा, यानी लाल रंग का, तो लाल रंग की भी बादशाह की संख्या दो और काले रंग की बादशाह की संख्या क्या होगी दो। तो माना कि लाल रंग के बादशाह के लिए, लाल रंग के बादशाह के लिए
घटना घटना ई है। तो इसलिए नंबर ऑफ ई यानी लाल रंग के बादशाह की संख्या होती है दो। कुल बादशाह तो चार होता है लेकिन लाल रंग के बादशाह दो और काले रंग के बादशाह दो। तो यहां पे प्रश्न साफ करा कि लाल रंग के बादशाह निकले इसकी क्या प्रायिकता होगी। इसका मतलब नंबर ऑफ ई बराबर दो लाल रंग के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस होगा। तो नंबर ऑफ ई का मान कितना है दो और नंबर ऑफ एस का मान कितना है 52। तो देखो 26 दूनी 52 यानी 1/26 आंसर लाल रंग के बादशाह। तो बताएं सभी स्टूडेंट्स आज के क्लास में यहीं तक। चलिए आप लोग सभी समझ गए होंगे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी।